सभी का बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। ये एक ऑडियो है जिसके माध्यम से हम ढेर सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कब किया? 1820 और 22 के दौर में इन्होंने हिमाचल प्रदेश की विजिट की। सिरमौर राज्य में पंचोता आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका सही आंसर है 1942। आप मुझे कमेंट में बताइएगा उस वक्त सिरमौर के राजा कौन थे। भाई दोनापाई आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन की शाखा थी? सभी ने अवज्ञा आंदोलन। हिमाचल प्रदेश में 30 रियासतों को मिलाकर 1948 में जो राज्य बना उसे क्या नाम दिया गया था? उस राज्य का नाम था मुख्य आयुक्त प्रांत। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले डॉक्टर YS परमार सिरमौर रियासत की सरकार में किस पद पर थे? अगर आप ध्यान से देखें तो जिला एवं सदर न्यायाधीश के पद पर वो थे। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो है रेवेन्सवुड की पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। अगर हम बातचीत करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है। 1962 में किस हिमाचली को परमवीर चक्र प्रदान किया गया? मेजर धन सिंह थापा। आपके लिए प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के ये ग्रेट पर्सनैलिटी किस स्थल से संबंध रखते हैं या किस स्थान से संबंध रखते हैं? संसद में हिमाचल राज्य कानून कब पारित किया गया? 18 दिसंबर 1970 को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का पहला चीफ कमिश्नर किसे बनाया गया था? NC मेहता। गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की रचना किस शहर में की? अगर ध्यान से देखें तो पोंटा साहिब। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल किस जिले से संबंधित है? हमीरपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयदीप किरण द्वारा रचित गीत गोविंद हिमाचल प्रदेश की किस कलम का प्रेरणा स्रोत रहा? कांगड़ा कलम। हिमाचल प्रदेश में मंडी के शिवरात्रि मेले की शुरुआत किसने की? राजा अजमेर सेन। बताइए इसे लोकोत्सव या वैष्णव मत किस राजा ने प्रदान किया? चंबा कलम का विकास चंबा के किस राजा के शासनकाल में हुआ? राजा राज सिंह। छड़ियों का मेला किस स्थान पर लगता है? नाहन। अगर छड़ी मेला पूछा जाए तो चंबा में। नूरपुर के किस शासक को बैरम खान द्वारा 1558 ईस्वी में बंदी बनाकर लाहौर ले जाकर मौत के घाट उतार दिया गया था? बख्त पाल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पहाड़ी राज्यों के मामलों में अनुसूचित हस्तक्षेप के कारण पंजाब के सूबेदार रियाज बेग के खिलाफ बने परिसंघ से कौन अलग रहा? जगत सिंह। ये राजा जो थे आपको अच्छे से बताना है कि किस रियासत के राजा थे। बिलासपुर के संस्थापक राजा बीरचंद मध्य भारत के किस क्षेत्र से 900 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश आए थे? चंदेरी। मुझे बताइएगा चंदेरी का संबंध भारत के किस राज्य से जोड़ा जाता है? चंबा के किस राजा ने पहली बार वर्मन उपनाम को लगाया? इसका सही आंसर होगा आदित्य वर्मन। पांडव महिषी द्रौपदी का अंत्येष्टि स्थल किसे माना जाता है? तांडी। आप मुझे बताइएगा तांडी में किन दो नदियों का संगम होता है और यहाँ पर अन्य किस व्यक्ति का अंतिम दाह संस्कार हुआ था या उन्होंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ा था? कांगड़ा के राजा संसार चंद सेकंड के रूप में कांगड़ा शैली का जन्म कब हुआ? 1790 में। हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति ने 1998 में भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद संभाला? BN शर्मा। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बना? शांता कुमार। आप मुझे बताएंगे कि केंद्र में शांता कुमार किस मंत्री पद पर रहे? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करना है। 84 घंटियों वाली माता किसे कहा जाता है? अगर आप ध्यान से पढ़ें तो माता बालासुंदरी। मुझे बताइएगा ये मंदिर सोलन के किस स्थान पर देखने को मिलता है? लॉर्ड इल्गिन किस वर्ष मंडी आए? आप बताने का प्रयास करिएगा। किन्नर लड़की जो बहुत भिक्षुणी बन जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे जोमो कहा जाता है। कोशी गोत्र के औदुम्बरों को किसका वंशज माना गया है? तो ये ऋषि विश्वामित्र के वंशज माने जाते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का एटीला कहलाने वाले मीरकुल हूण को 520 ईस्वी में किसने पराजित किया जिसके बाद वो भागकर कश्मीर का राजा धोखे से बन बैठा? यशोवर्मन ने। आपको अच्छे से याद रखना है हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा जनसमूह कौन सी जाति का है? राजपूत। अगर राजपूत काल की बातचीत करें तो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक काल क्या माना जाता है? आपका राजपूत काल माना जाता है। सिरमौर जिले में रक्षाबंधन को किस और नाम से जानते हैं? सलूनियों या फिर सुलूनों। किस समुदाय में तलाक को सहमति देने हेतु पत्नी के सिर पर एक सूखी लकड़ी रखकर उसे दो टुकड़ों में तोड़ने की सामाजिक प्रथा है? इसका सही आंसर है पंगवाल ब्राह्मण। अगर आप लोग पेड क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पेड क्लासेस दी जाती है, साथ में नोट्स रहते हैं। इसके अलावा आप अगर PYQ में जुड़ना चाहते हैं, जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस टाइम के 20 वर्षों के वो आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। एक सुबह 6 बजे क्लास होती है और इसके अलावा 6 से 8 का ये सेशन रहता है। और शाम की बातचीत करें तो शाम को भी अलग अलग बैचेस रहते हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप 9625392020 पर फ़ोन कर सकते हैं। आपको
काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप हिमाचल के साथ साथ किसी अन्य पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं जो सेंट्रल का पेपर हो, तो वहाँ पर भी ये जीएस का सेशन काफ़ी हेल्प करेगा। साथ में करंट की क्लासेस रहती है, कोई बच्चा अगर होम ट्यूशन के लिए आना चाहता है धर्मशाला में है तो वो भी फ़ोन कर सकता है। इसके अलावा ऑल ओवर हिमाचल प्रदेश में कहीं भी अगर कोई ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहता है फर्स्ट से लेकर टेंथ तक के जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें, तो वो आ सकता है। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ रहे।